नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच देसी घी, 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच सूजी, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 कप मिल्क पाउडर, 1 कप दूध, 2 कप चीनी, 2 कप पानी, कुछ केसर के धागे, 4 इलायची, 2-4 बूंद नींबू का रस। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस पर कढ़ाई पैन रखें। कढ़ाई पैन रखें थोड़ी बड़ी साइज की, जिससे हमारे रसगुल्ले एक के ऊपर एक ना बैठे, सब अलग अलग हो जाएं। 2 कप डालें चीनी, 2 कप डालें पानी, 2 कप चीनी को अच्छे से मेल्ट होने दें, जब तक हम गुलाब जामुन की तैयारी कर लेते हैं। एक बड़ा बाउल लें, इसमें डालें देसी घी, अब इसमें डालें 2 चम्मच मैदा, डालें 1 चम्मच सूजी, बेकिंग पाउडर, इसे करें अच्छे से मिक्स। और इसमें मिलाएं मिल्क पाउडर, इसे करें अच्छे से मिक्स। अब इसे करेंगे हम अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मिक्स। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे दूध। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हम मिक्स करते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। इसका हमने सॉफ्ट डो बना लिया है। पहले हम चाशनी की तरफ आ जाते हैं। हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, इसमें डालेंगे केसर के धागे, इलायची को हल्का सा खोल के डाल देंगे दाने सहित, अब इसमें डाल देंगे नींबू का रस, इसे करेंगे आपस में मिक्स। और एक बार हम चेक कर लेंगे, थोड़ी सी स्पैचुला में लेंगे चाशनी को। अभी हमारी चाशनी बनने में टाइम है, इसे अभी हम पकने देंगे। इस पर रिफाइंड ऑयल रखें और रिफाइंड ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें। जब तक हम इस डो का छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। इसे अच्छे से हम गोल गोल बना लेंगे, जिससे इसमें क्रैक ना पड़े। बन चुकी है, इसे हम कर लेंगे चेक। ये देखिए चिपक रही है, गैस को ऑफ कर दें। बॉल्स हमने बना ली है, अब हम इसको करेंगे फ्राई। रिफाइंड हमारा हल्का गर्म हो चुका है,
अब हम अपने गुलाब जामुनों को निकाल लेंगे। इन्हें हम मक्खन में डाल देंगे, एक बार चला देंगे ऊपर से नीचे। गुलाब जामुन बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।